सामूहिक वंदे मातरम गायन समिति के संयोजक मंकेश्वर पांडे मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में तहत 18 दिसंबर को भव्य सामूहिक वंदे मातरम गायन व भारत माता की आरती का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर की सुबह सभी नगरों व स्कूलों में प्रभात फेरी का तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी तथा ये सभी यात्राएं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एकत्रित होंगी, जहां वक्ताओं द्वारा स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का उद्बोधन होगा। उसके बाद सामूहिक वंदे मातरम गायन व भारत माता की आरती की जाएगी। इस कार्यक्रम में महानगर के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान के छात्र, अध्यापक, सामाजिक संगठन के लोग के साथ आम जनमानस भी उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सामूहिक वंदे मातरम गायन समिति के संयोजक मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, आज बिहारी विश्वकर्मा जी अपना वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उसके माननीय प्रधानाचार्य आप सभी लोग पहचानेंगे, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी आप बगल के महाविद्यालय के इंटर कॉलेज का अच्छा इंटर कॉलेज अगर हमको कुछ और जानकारी आज की यह प्रेस वार्ता हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बाद पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में हम इस वर्ष को मना रहे हैं और इसी क्रम में 18 नवंबर से 19 नवंबर दिसंबर के बीच में एक माह का हमारा कार्यक्रम यह चला, जिसमें कि हम रामप्रसाद बिस्मिल जी के जन्मतिथि के एक दिन शहादत दिवस के एक दिन पूर्व हम इसको 18 दिसंबर को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के परिसर में हम लोग एक बहुत बड़ी प्रभात फेरी के साथ छात्र और युवा वर्ग वहां पहुंचेगा और वहां पर हम सामूहिक वंदे मातरम गायन और भारत माता की आरती यह कार्यक्रम करेंगे और साथ ही साथ हम इस क्षेत्र में चाहे वो चौरी चौरा हो, डोहरिया कला हो, हमारे तरगुलाग के पास बंधु सिंह की शहादत हो, इस तरह के जो भी हमारे आसपास के राजेंद्र लहड़ी साहब की बहन भी इस अवसर भतीजी इस अवसर पे उपस्थित होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो ऐसे लोगों का हम सम्मान भी मंच से करेंगे, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के लोगों का, उनके वंशजों का। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका है वो यही है कि हम अपने युवा वर्ग, विशेष रूप से छात्र समुदाय के मन में देश के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रवाद की भावना और देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ उनके मन में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनकी चर्चा उनके मन में हो, इतिहास ने बहुत कुछ तोड़ा मरोड़ा है उसमें सुधार हो और उन बच्चों को ये पता चले कि इस देश को आज़ाद कराने में, आज़ादी दिलाने में कहाँ कहाँ किन किन लोगों का योगदान था और उनके प्रति उनके मन में सम्मान हो और यह विमर्श आगे बढ़े, इसके निमित्त यह आयोजन किया जा रहा है और इसमें नगर के लगभग समस्त इंटर कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, इन सभी के छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है और सब जगह तैयारियां चल रही हैं और हमें विश्वास है कि कम से कम एक 40 से 50 हज़ार की भीड़ परिसर के अंदर और बाहर सड़कों पे आम जनमानस के साथ रहेगी, जो सामूहिक वंदे मातरम गायन और भारत माता की आरती को अनुभव करेगी कि यह आम जन का कार्यक्रम है, सामान्य जन का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो इस रूप में आम जन इसमें सहभागी बना हुआ है और प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि 18 दिसंबर एक इतिहास की रचना इस नगर में करेगा, जबकि इतनी बड़ी संख्या में हम एक साथ वंदे मातरम का गायन उस परिसर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में करेंगे।